नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरुड़ न्यूज़ में। आज हम ऑटो एक्सपो के एमजी पवेलियन में मौजूद हैं और एमजी मोटर्स जो है, एमजी की जो गाड़ियां हैं बहुत ही पॉपुलर होती है, तो एमजी की पवेलियन जो है हॉल नंबर 14-15 में आप आएंगे तो एमजी का पवेलियन दिखेगा। अगर गाड़ियों की बात करें तो इनके गाड़ियों को दिखाएंगे, साथ ही इनके पवेलियन में भी दिखाएंगे कि आप इनके जो ब्रांडेड चीज़ें उसको कैसे खरीद सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एस्टोर ब्रांड को, जो एमजी का एस्टोर ब्रांड है जिसकी नई डिज़ाइनिंग के साथ आई है, और इस बार का जो ऑटो एक्सपो का थीम जो है सस्टेनेबल मोबिलिटी पे जो ऑटो एक्सपो बात कर रही है, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। आप जो सस्टेनेबल मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उससे कैसे सीट्स और जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको डिज़ाइन किया गया है। अब दूसरे कार को दिखाते हैं आपको, एमजी मोटर्स की दूसरी कार को भी दिखाते हैं। आप इधर देख रहे होंगे एमजी मोटर्स का एक कार है, आपको आपको हेक्टर, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर मॉडल है हेक्टर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से कि इसको रोटेट करके आराम से घुमा के दिखाएं आपको। हेक्टर का जो ये मॉडल आपको एमजी ने आपको जो नया मॉडल इसको जो लॉन्च किया है हेक्टर का, अपना जो नए डिज़ाइन के साथ जो लॉन्च किया है, उसकी फिनिशिंग जो है इस पर इनका काफ़ी जोर है। देख रहे होंगे हेक्टर का जो ये फ्रंट व्यू, फ्रंट लुक है, आपको अंदर से भी दिखाएंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंदर से आएँ, इसके सीट्स और जो इसके क्लोजअप्स, आप इसका क्लोजअप आप थोड़ा ले लें, इसका आप थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे हेक्टर की जो ये हेक्टर जो एमजी हेक्टर जो है, आप जानते ही होंगे बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, अक्सर आपको सड़क पे इसकी गाड़ियां दिख भी जाती होंगी, बहुत ही पॉपुलर मॉडल है एमजी का ये। आप अगर इसकी टायर की या फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब एमजी जेडएस का जो ये मॉडल है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाला है, आप देख रहे होंगे चार्जिंग पॉइंट भी। कई व्यूअर्स जो हैं आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने सीएनजी का पेट्रोल पंप, डीजल पंप देखा है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग स्टेशन कैसा होगा? आप जब इसके जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो स्टेशन होगा, चार्जिंग स्टेशन होगा, उस पर आपको इसी तरीके का सिस्टम जो है मिलेगा। आप जेडएस एमजी का जो जेडएस मॉडल है उसको देख रहे होंगे, जो अल्टरनेट फ्यूल की बात की गई है, उस अल्टरनेट फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो चार्ज होने वाली ये मॉडल है। तो जो पूरे ऑटो एक्सपो का जो थीम है उसको अल्टरनेटिव फ्यूल, उसको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी इसकी बहुत ही शानदार है। आप कुछ इस गाड़ी के बारे में बताना चाहेंगे और किस तरीके के इसका इंटीरियर जो है अलग कैसे है? जो ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन है वो आप देख सकते हो अलग ही, जो आप पेट्रोल की गाड़ी ऑटोमेटिक देखते हो उससे अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, जो पार्किंग है वो ऊपर बटन दिया हुआ है, प्रेस करके इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको इसमें मिल जाता है, ऑटो होल्ड के साथ दिया हुआ है। जैसे आपने ब्रेक से पैर हटाया तो गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी जब तक आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करो, एक्सीलेटर प्रेस करते ही आप गाड़ी आगे मूव करनी स्टार्ट करोगे। दूसरा, ईवी में आप चेंज कर सकते हैं मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड, उसके हिसाब से आप अपनी माइलेज को इनहेंस कर सकते हैं। 461 किलोमीटर ये रेंज जाती है एक चार्ज, 461 किलोमीटर सिंगल चार्ज अगर आप इको मोड पे चलाते हो, अगर आप नॉर्मल पे चलाओगे तो 400 किलोमीटर, और अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाओगे 380 किलोमीटर आप चला सकते हो। स्पीड ज्यादा होगा उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी और आपके जो परफॉर्मेंस है वो, यानी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर तो मिनिमम जो है वो चलेगा वन सिंगल चार्ज। 150 नहीं, 380 वन सिंगल चार्ज, ये आप कैसे चलते हैं? तो ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात कर रहे थे तो उसको ध्यान में रखते हुए एमजी का ये जो जेडएस मॉडल है, आइए अब दूसरे एमजी के दूसरे मॉडल को भी आपको दिखाते हैं। एमजी पवेलियन में एमजी 5 जो है इसका एक मॉडल है जो इलेक्ट्रिसिटी को एज ए फ्यूल यूज कर रहा है। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अट्रैक्टिव पॉइंट जहां आप फोटो, अच्छी फोटो ले सकते हैं, आप अगर सेल्फी लेना चाहते हैं, इमेज लेने के लिए, फोटो लेने के लिए भी अगर ऑटो एक्सपो में आ रहे हैं तो एमजी के इस पवेलियन में हॉल नंबर 14 में आप आएंगे तो यहाँ फोटोज भी ले सकते हैं। एमजी 5 है जो मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को एज ए फ्यूल
यूज करने का ऑप्शन है। आप ये चार्जिंग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार चार्जिंग पॉइंट को दिखाएं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज हो रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग पॉइंट है, आप यहाँ एक बार दिखाइएगा, क्लोजअप लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग पॉइंट है। और ये देखिए MG5 के इस मॉडल में चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और चार्जिंग स्टेशन पे इस तरीके का ही आपको सिस्टम लगा हुआ मिलेगा। और इस तरीके से MG5 का जो ये मॉडल है चार्ज होता हुआ दिख रहा है। तो हम थे ऑटो एक्सपो के हॉल नंबर 14-15 में, जहाँ MG के पवेलियन में थे, MG पवेलियन का टूर कराया आपको। इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमारे ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।